नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। और ललन टॉप की टीम मोती इस वक्त पहुंच चुकी है गुना में और हमारे साथ मौजूद हैं इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह। जयवर्धन जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि एक मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना, इतने बड़े नेता का बेटा होना कितना बड़ा चैलेंज होता है? जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक प्रकार से उनके भी पिता स्वर्गीय बलभद्र सिंह जी, वो भी सन शायद 52-56 में पहली जो मध्य भारत की विधानसभा थी उसमें विधायक बन के आए थे। तो एक प्रकार से हमारा पूरा परिवार हमेशा जनसेवा में समर्पित रहा है और मेरा भी भाव हमेशा ये रहा है कि राजनीति तो बाद में आती है लेकिन पहले हम जनसेवा का एक अवसर ढूंढते हैं, क्योंकि आखिर हमारा परिवार पीढ़ियों से यही करते आ रहा है और यहाँ पर हर गांव में हमारा संबंध पीढ़ियों का है, बहुत पुराने संबंध है हमारे। अभी मैं यहाँ पर टंग परोरिया गांव में हूँ, यहाँ इस गांव का और हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध है और हमेशा हम सब एक परिवार जैसे रहे हैं और कुछ भी समस्या जनता को आती है, चाहे समस्या निजी हो या सार्वजनिक हो, हमेशा उस समस्या को हल करने का हम हमेशा प्रयास करते हैं। और जहाँ तक बात एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते है, तो जो उनकी कार्यशैली थी और जो कार्यशैली है उसी के आधार पर मैं भी काम करने का प्रयास करता हूँ। जिस प्रकार से उनने मुझे सबसे पहले कहा था कि अगर तुम्हें राजनीति में आना है तो सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र के सभी गांव हैं उनमें ही जाओ, वहाँ का दौरा करो, वहाँ के जो अपने ग्रामवासी हैं उनको पहचानो, जो पुराने पटेल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका और मेरे फादर का बहुत अच्छा संबंध है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाओ, उनका आशीर्वाद लो, फिर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। जी आपने बताइए, देखिए फ़ायदे सबको पता है इतने बड़े नेता के पुत्रों ने, नुकसान क्या है? देखिए बात फ़ायदे और नुकसान की नहीं है, बात यही है कि सिर्फ क्योंकि मैं उनका बेटा हूं तो ऑफकोर्स वो पूर्व सीएम रह चुके हैं तो लोग इसलिए उनको सब जगह पहचानते हैं, लेकिन अब मैं ऑलरेडी एक चुनाव जीत चुका हूं जब मेरा पहला चुनाव था, लेकिन उस समय उनने स्पष्ट कहा था कि ये पहली बार और आखिरी बार उनने मेरे लिए प्रचार किया था। अब इसके बाद पूरा उनने मेरे ऊपर छोड़ा है और जनता के ऊपर छोड़ा है और उन्हें स्पष्ट कहा था कि अगर जयवर्धन आपके बीच आएगा, आपकी सेवा करेगा तो उसको वोट देना, नहीं तो मत देना। और मैंने हमेशा पिछले 5 साल में मैंने ये प्रयास किया है कि मैं हर गांव में जाऊं। अब जैसे इस टंग गांव की हम बात कर रहे हैं, हम जहाँ बैठे हैं, पिछले 5 साल में मैं कम से कम 5-6 बार इस गांव में आया हूं, जबकि यहां से सांसद बीजेपी का है वो भी जीत के आया लेकिन वो एक बार भी गाँव में नहीं आया, नहीं आया। तो मूल बात ये है कि हमने निरंतर काम किया है, निरंतर जनता की सेवा में उपस्थित रहे हैं और हमने जनता को यही आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में और भी यहाँ पर क्षेत्र में मेहनत करेंगे। सर, राजनीति में परिवारवाद की बड़ी बात होती है जी, कि नेता का बेटा नेता क्यों? आपने कोलंबिया से पढ़ के आए, क्या आपका क्या मानना है परिवारवाद पर, क्या सोचते हैं? देखिए परिवारवाद उस समय गलत होगा जब कोई निर्वाचित होकर नहीं आएगा, मतलब बिना कोई चुनाव जीते हुए अगर कोई आ जाता है तो फिर गलत बात है, लेकिन अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता मतलब हर दिन 14 से 16 घंटे जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? और आखिर लोकतंत्र में जनता चुनती है, कोई एक परिवार नहीं चुनता, जनता तय करती है कौन उनके सेवा देने लायक है। तो हमने यही हमेशा इसलिए प्रयास किया है कि सबसे पहले जनता का आशीर्वाद अगर मिले और अगर मिलता है तो फिर हम आगे उनकी सेवा करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह की बात अगर मैं करूं आपके पिताजी की, तो उनके बयान चर्चा में रहते हैं, हिंदू आतंकी बात की बात हो, चाहे बटला हाउस इनकाउंटर के समय वाली बात हो। अभी मैं पिछले गाँव में आपको देख रहा था, आपने शुरुआत की भारत माता की जय, गौ माता की जय, तो ये क्या था? क्यों नहीं, क्या हम हिंदू नहीं है? हमारा परिवार तो 400 साल पुराना किला है हमारे पास, ऐसी छवि बनाई जाती है। वो तो कुछ लोग हैं जो उनसे बौखलाते हैं, वो ऐसा उनका छवि बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा परिवार, हमारा किला 400 साल पुराना है, हमारे घर में 9 मंदिर हैं, हमारे किले के चारों तरफ हर जगह हर कोने में बजरंगबली की मूर्ति है और राघोगढ़ मतलब भगवान राम के बाल रूप का गढ़ है, तो वो तो मेन मंदिर है हमारे यहाँ पर, हमारे कुलदेवी आशापुरा माता देवी, हम वैष्णव है, हमारे यहाँ 3
मंदिर हैं कृष्ण भगवान के, जगदीश जी का है, गोपाल जी का है, कल्याण राय जी का है, तो हमारा तो परिवार पीढ़ियों से मतलब वहाँ पे जो हमारे मंदिर हैं 300-400 साल से प्रतिदिन वहाँ पे आरती होती है सुबह दोपहर शाम को। तो कोई और ऐसा व्यक्ति जो हमारे ऊपर ऐसा प्रश्न उठाए, मैं मानता हूँ ये सही बात नहीं है। सर, आपके पिताजी ने 2003 में चुनाव के वक्त कहा था कि अगर चुनाव हारते हैं तो 10 साल का वनवास रहेगा जी, तो ये वनवास इस बार क्या खत्म होने वाला है? हाँ, खत्म होने उस समय ही कर दिया था, 2013 में उनका वनवास खत्म हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर। नहीं नहीं, उनका तो वो समय रह चुका है, 10 साल वो रह चुके हैं मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो सरकार अपनी बने और उसके बाद जो भी फिर सबको उचित लगेगा उसी के आधार पर। लोग इस बार ऐसा कह रहे हैं कि चीज़ें शायद बदल सकती हैं या नहीं बदल सकती हैं, ये दूसरा मत है, मगर उनकी एक शिकायत है कि 15 साल से एक चेहरा, 13 साल से स्थापित है शिवराज सिंह चौहान का, कांग्रेस ने एक चेहरा क्यों नहीं दिया? जो सबसे पहले आज के समय मध्य प्रदेश की जनता पिछले 15 साल से परेशान है। 5 साल पहले भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। भाजपा के लोग कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय डीजल पेट्रोल 50-55 पे था, अब मोदी सरकार को लगभग 5 साल हो गए, अब क्या हो गए दाम डीजल पेट्रोल के 80-90। वहीं हमारे समय जब सरकार कांग्रेस की थी गैस के दाम थे 450, आज 1000 हो गए हैं। DAP के दाम, खाद के दाम 1450। तो आज के समय किसान महंगाई से परेशान है। वहीं जो किसान की उपज है, सोयाबीन हो, उड़दा हो, उस इनके दाम आधे हो गए, चुनाव की पेमेंट अब तक नहीं आई। तो शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी बहुत ज़ोर से कहते थे कि किसान की वो आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इनके 4 या 5 साल के बाद किसान की आय दोगुनी तो दूर की बात है, आधी हो गई है उल्टी। तो इस बार किसान बेहद परेशान है और एक तरफा माहौल सिर्फ यहीं नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 100% सरकार कांग्रेस की बन रही है। और जहाँ तक सवाल एक चेहरे का है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव भाजपा लड़ी थी उस समय उनने कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था। अब UP सीख रहे हैं? नहीं, बात सीखने हमने कभी नहीं किया जी। पुरानी पार्टी कांग्रेस है, भाजपा हमसे सीखती है, हम उनसे नहीं सीखते। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके कांग्रेस कमेटी के स्टार प्रचारक, मतलब प्रचार मेन लीड कर रहे हैं कैंपेन कमेटी को, आपकी सीट प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे? क्या आप बुला नहीं रहे या खुद नहीं आ रहे? दो बार आ चुके हैं सिंधिया जी, दो बार आ चुके हैं। राघोगढ़ आए? राघोगढ़ एक बार, आरोन एक बार। अच्छा, मगर ये बड़ी चर्चा चलती है कि आपके और उनके परिवार के बीच, माधवराव सिंधिया टाइम से ही 93 में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तब उनका चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़ा था, मगर दिग्विजय सिंह बाजी मार ले गए, तो वो एक रार क्या है, वो क्या है उसमें? ये सब अफवाहें हैं जी। सिंधिया जी के पूरे परिवार का, हमारे परिवार का संबंध बहुत सालों से हैं, पीढ़ियों से हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं। और सिर्फ लेट माधव सिंधिया के साथ साथ जो उनकी राजमाता साहब, लेट राजमाता हैं, उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। तो ये तो सब ऐसी अफवाहें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर, यहाँ पर आपके क्षेत्र में लोगों से बात की तो आप इतने साल से आपका परिवार इस क्षेत्र को संभाल रहा है, पूरा वर्चस्व है आपका, तो क्या फायदे मिले? सबसे बड़ा मुद्दा मुझे यहाँ पर रोजगार का दिखा कि रोजगार एक बड़ी समस्या है। आप इतने साल से यहाँ पर, आपका परिवार चला रहा है, क्या दिया आपने रोजगार के लिए? रोजगार के लिए रावगढ़ में सबसे बड़ा यूरिया प्लांट NFL का पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित रावगढ़ में है। गेल का एक बड़ा LPG प्लांट है, सबसे बड़ा देश में है, वो यहाँ स्थापित है। बॉटलिंग प्लांट, गैस इंडियन ऑयल का बॉटलिंग प्लांट भी यहाँ पर है, वो स्थापित है। JP यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे अनेक यहाँ प्रकार के रोजगार के अवसर हैं। और शुगर फैक्ट्री भी है, और इसके आगे भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि और भी नए उद्योग हमें क्षेत्र में लाएँ। सबसे पहला CBSE, यहाँ पे 5 CBSE स्कूल हैं, गुना से अधिक। साथ में जो पहला DPS पूरे मध्य प्रदेश में था वो हमारे क्षेत्र में था। नशा भी बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में जी। देखिए, आप यूथ आइकन एक तौर पर यहाँ से देखे जाते होंगे, और यहाँ का यूथ बता रहे नशे के फेरे में फंस गया है। नहीं, युवा होने के नाते मैं तो हर युवा जो भी मध्य प्रदेश का है और पूरे देश का है, सबसे आग्रह करूँगा कि नशा से हमेशा दूर रहें। नशा आपकी सेहत को बिगाड़ता है। हर दिन कसरत करें, हर दिन मेहनत करें, एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आप, ये तो हो गए नेता जयवर्धन जी, आप ये हो गए नेता जयवर्धन। अब मैं आम जयवर्धन की बात करूं, जो विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है,
यूथ आइकन के तौर पर देखा जाता है, वो अपने खाली समय में क्या करते हैं? अभी तो मेरा 2.5 साल का बेटा है, तो जब समय मिलता है तो मैं उनके साथ थोड़ा बैठता हूँ, बात करता हूँ, खेलता हूँ उनके साथ, समय वगैरह देखता है, फिल्में वगैरह देखते हैं। फिल्में समय नहीं मिल पाता, वो तो जो भी मेरा सब समय थोड़ा बहुत मिल जाता है तो मेरे परिवार के साथ ही रहता हूँ मैं बस। गाना कोई पसंद है आपको? नहीं नहीं, मैं वैसे काफ़ी बेसुरा। फेवरेट नेता कौन है? देखिए, एक प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनने भारत की बहुत ही मजबूत नींव रखी, लोकतंत्र की। दो देश साथ में आज़ाद हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत है इसलिए क्योंकि नेहरू जी लगभग काफ़ी सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वही जिन्ना जी कुछ साल बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया था और पाकिस्तान आतंक में लिप्त हो गया। तो जो आज मजबूत नींव लोकतंत्र की भारत में है वो पूरी देन कांग्रेस पार्टी की है और जवाहरलाल नेहरू जी की है। यूथ को कोई बुक आप बताना चाहेंगे जो पढ़ने चाहिए उनको? भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी से, सबको पढ़नी चाहिए। तो ये थे जयवर्धन सिंह, इन्होंने हमें बताया कि वो राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, इस चुनाव में क्या करने वाले हैं और अपने कुछ खास शौक भी बताया। ऐसे और तमाम नेताओं से हम आपको लगातार मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं हूँ सौरभ, कैमरे के पीछे मेरे साथ में विभव। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।